हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। और जो आज की इन्फॉर्मेशन है वो है चिली प्लांट के बारे में, यानी कि मिर्ची के पौधे के बारे में। मिर्ची का पौधा दोस्तों, ये लगाना बहुत आसान है। हम अपने घरों में ये पौधा बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके सीड्स जो हैं, इसके बीज हमारे अपने घर में ही अवेलेबल हैं। जो भी हमारे पास मिर्ची हैं, चाहे हरी मिर्च है, चाहे साबुत लाल मिर्च के बीज हैं, इन बीजों को हम बहुत इजीली सो कर सकते हैं, बहुत इजीली लगा सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आराम से कैसी भी मिट्टी में आराम से लग जाता है। बस थोड़ी सी मॉइस्चर मिट्टी होनी चाहिए। और इसमें जो भी चीज़ें नेसेसरी हैं वो मैं आज इस वीडियो में आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात, इसको किसी भी तरह के पॉट में लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए पहले छोटे पॉट में लगाने की इसको, और उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट किसी और में कर देना। उसके बाद इसके जो सीड्स हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाना। बहुत नज़दीक लगा देंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे, वो फैल नहीं पाएंगे। 3G कटिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। 3G कटिंग कैसे करनी होती है इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो 3G कटिंग करेंगे तो बहुत ही घना पौधा आएगा, और इतना घना आएगा कि सबसे ज़्यादा मिर्च उस पौधे पे होंगी जिस पे आपने 3G कटिंग कर रखी होगी। सिंगल पौधे पे इतनी मिर्च आपको नहीं मिलेंगी। इस प्लांट को ग्रो करना बहुत आसान है। गुड़ाई टाइम टू टाइम कर दीजिए इसकी, क्योंकि महीने में एक से दो बार भी अगर इसकी गुड़ाई कर देंगे, देखिए दोस्तों गुड़ाई करने से होता क्या है कि इसकी जो मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर इतनी जगह हो जाती है इन गमलों में अंदर तक एयर और सनलाइट को पहुंचने की, कि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए टाइम टू टाइम इनकी गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। वाटरिंग करने के लिए इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब भी इसको वाटर करना है, जब बिल्कुल ड्राई हो जाए, एकदम जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए इसको तभी वाटर करना। गीली मिट्टी में ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी लीव्स मुड़ जाती हैं, जल्दी पीली पड़ जाती हैं, फ्लावर्स नहीं आते हैं इसके। तो इसलिए कोशिश कीजिए वाटरिंग इसकी तभी कीजिए जब बिल्कुल इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए। इस पौधे को फुल टाइम सनलाइट चाहिए। अगर आप छांव में रखेंगे तो आप देखेंगे इसमें फ्लावर बहुत कम आ रहे हैं, लीव्स उसकी मुड़ गई हैं, इसलिए इसको ज़्यादातर आप फुल सनलाइट में रखिएगा। रही बात इसमें फर्टिलाइज़र्स की, तो फ्रेंड्स इसमें जो नॉर्मल डीकम्पोज फर्टिलाइज़र है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद डालते समय कुछ चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा कि गुड़ाई करके तुरंत बाद खाद अगर डालते हैं तो ऊपर से पानी मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप पानी डालेंगे तो वो खाद इतनी तेज़ी से रूट्स तक जाएगी कि वो रूट्स को बर्न कर सकती है, आपका पौधा जल सकता है, ख़राब हो सकता है। और वैसे भी समर सीज़न में खाद थोड़ा अच्छा टाइम लिमिट पे दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी अगर खाद डालेंगे तो पौधे बर्न हो जाएंगे, क्योंकि खाद बहुत गर्म होती है और गर्मियाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं। तो और इसको सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा बहुत एक्सेस खाद की भी ज़रूरत नहीं होती। कटिंग इसकी टाइम टू टाइम करते रहिए, फ्लावरिंग इसमें अपने आप अच्छी होती जाएगी। आप देख रहे हैं कि इससे कितने सारे फ्लावर्स हैं। मैंने दो तरह के गमले यहाँ पर रखे थे, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा, एक में मैंने ओवर वाटरिंग की थी और एक मैंने टाइम टू टाइम वाटरिंग की थी। तो ओवर वाटरिंग जिसमें की थी, मैंने देखा उसमें पत्ते पीले पड़ गए, पत्ते मुड़ गए, उसमें लीव्स भी नहीं आई, जबकि जो दूसरे मेरे गमले थे वो बिल्कुल सही चले, उसमें मिर्च भी सबसे ज़्यादा आई थी। तो यही कुछ बातें हैं जो हमें टाइम टू टाइम ध्यान रखनी है। इस पौधे में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, इस पौधे में बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। कुछ चीज़ें हमारे घर में ही अवेलेबल हों किचन की तो हमें बहुत अच्छा लगता है, कन्वीनियंट भी होता है हम लोगों के लिए। तो ये बहुत एक इजी पौधा है जो आप सभी लगा सकते हैं अपने घरों में। और सीड्स हमारे पास हैं, मिट्टी हमारे पास है, किसी भी तरह का पॉट ले लीजिए, ज़्यादा बड़ा भी, बहुत बड़ा भी नहीं चाहिए, छोटा सा पौधा में आराम से लग जाएगा। ये मिट्टी जो आपके पास है, जैसे आपके पास है उसको यूज़ कीजिए। कोकोपीट नहीं है कोई बात नहीं, अब मेरे पास कोकोपीट नहीं था तो मैंने नॉर्मल मिट्टी में ये पौधा लगाया जो कि अच्छा चला, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन एटलीस्ट ट्राई कीजिए, छोटी सी चीज़ से ट्राई करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे। और घबराइए मत, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पौधा सूख जाएगा, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कीजिए। सीड्स हमारे पास इजीली अवेलेबल हैं, मिट्टी है, सब कुछ है, तो क्यों ना एक छोटा सा ट्राई तो बनता है। सो ट्राई कीजिए, तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।